नमस्कार प्रणाम, आप बाबा एक्सप्रेस न्यूज देखना प्रारंभ कर चुके हैं और अभी हम उपस्थित है तरियानी में और देख सकते हैं हमारे पीछे श्री श्री 1008 विश्व महायज्ञ 9 दिवसीय संत प्रेम भिक्षु जी महाराज की जन्म धरती पे आयोजन किया गया है। और यहाँ पे जितने भी लोग प्रेम में दिख रहे होंगे और पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्याएं हैं जो कलश ली हुई है। कलश यात्रा आज है और कलश यात्रा के बाद ये यज्ञ शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बात करने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका, क्या कहना चाहेंगे इस यज्ञ के संदर्भ में? यज्ञ के संबंध में श्री श्री 1008 श्री महाविश्व यज्ञ जो आज से प्रारंभ होने जा रहा है। विष्णु यज्ञ में सब लोग हमको अध्यक्ष बताते रहे, इनको अध्यक्ष के नाते जितना मुझसे बना है मैं इस यज्ञ के लिए 0 दान से इसमें जो दान किया आगे मेरे महाराज जी इनके अनुमति से जो भी कुछ हुआ जो भी सहयोग यहाँ से प्राप्त है कम या बेसी होता रहता लेकिन उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं। मैं सीधे अपने कार्ड को खर्च गया और सब इनके कृपा से पूरा होते गया। कोई तरह की कमी नहीं है, चाहे जग में शासन प्रशासन ये सब लोगों के द्वारा मदद हो। आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? सबसे पहले बताइए कि आप इस जगह के यज्ञाचार्य हैं। नाम होगा प्रभुदास उपाध्याय। मैं आया हूँ यहाँ इस जगह में यज्ञाचार्य बन करके और हमारे और जितने सब विद्वानगण आए हुए हैं। विष्णु यज्ञ की बहुत महत्व है। विष्णु यज्ञ से अनावृष्टि जो है दुनिया की सारी संपदाएं प्राप्त होती है। इसलिए मैं इतना ही काफी लोगों का सहयोग है, प्रशासन से लेकर ग्रामीण जनता तक सबों का सहयोग रहा है। यहाँ की सारे जनता जो है सो खुश है इस जगह से। तो इन लोगों का जज्बान और सारी जनताओं का खुशी हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए या नहीं पहुँचना चाहिए? अगर प्रसन्नता है तभी तो लोग पहुँचे हुए हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती लोग क्या करते यहाँ पास आंखों में आप सब अगर अनमन होता तो कोई आते यहाँ पर नहीं। सारे महाराज जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरियानी क्षेत्र के लोगों से जो सहयोग मिला, लोगों का जो समर्पण रहा यज्ञ के प्रति, वो काफी कुछ बयां करती है जो कि आज आपके सामने यहाँ के लोगों की उपस्थिति देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को यज्ञ के प्रति किस प्रकार की आस्था है। और यहाँ पे समझिए कि जहाँ पे यज्ञ होता है जिस धरती पे और यहाँ पे रामधुन का भी ये होगा और वो आवाज जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ तो वहाँ तक क्या लोक कल्याण होगा, लोगों को क्या संदेश देना है? बिल्कुल, ये आवाज जहाँ तक जाएगी वो जन कल्याण के लिए ही महायज्ञ किया जाए। और ये विष्णु महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ इस सृष्टि पर करने से सृष्टि की सारी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती है ना, और पुण्य फल जो है प्राप्त होता है। उसमें भी यह जो धरती है ना, ये संत प्रेम भिक्षु जी महाराज का जन्म स्थली है जो कि एक ऐतिहासिक जगह रहा है और हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ के प्रमुख मुखिया श्री केदार सिंह जी जो कि इस यज्ञ के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमको जो सहयोग मिला और उनके साथ अन्य लोगों की जो सहयोग मिली है, मैं उसके लिए इन सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि देख सकते हैं महाराज जी थे, इनका कहना है कि जहाँ पे यज्ञ होता है उस क्षेत्र के सभी लोगों का लोक कल्याण हो जाता है। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार दुबे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यज्ञ के संदर्भ में? इससे अच्छा आप इस यज्ञ में सबसे पहले हैं क्या? आप इस यज्ञ में हम एक मतलब ब्राह्मण स्थापक हैं, जो व्यवस्थापक हैं। चलिए, और इस यज्ञ में हमने बाजार दिया था और इससे समाज को काफ़ी सपोर्ट मिला हमें। इस यज्ञ को करने का उद्देश्य मेरा ये रहा है जो ताकि पूरे यज्ञ का कल्याण हो। और हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ करना, इसलिए ये हमारा जन्म धरती है और हम अपने जन्म धरती पे इस यज्ञ को कराने का काम किए हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे आने के लिए? आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। और उनको हम यही कहना चाहते हैं जे मंत्र से आशीर्वाद देना चाहते हैं, सर्वाधा विघ्न मुक्तो धन धान सुधांजिता मनुष्यो मत प्रसादेना
भविष्यति न संशया। थोड़ा सा इसका भावार्थ समझा दीजिए। ये है जो धन धान से भरे रहे, उनको सबुद्धि हो, कभी उनको दुख ना आए। आपका क्या नाम हुआ? मैं अजीत कुमार। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मेला के, मतलब यहाँ जो ये जग हो रहा है, आप क्या? तो इस प्रयाणी प्रखंड क्षेत्र में बहुत दिनों के बाद इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यज्ञ से पूरे क्षेत्र का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है। और यहाँ जो आपदाएँ आती रहती है उससे भी सब लोगों की रक्षा होगी। भगवान विष्णु की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे, पूरे क्षेत्र में बनी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखार्तः। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग थे और भी यहाँ पे जितने भी लोग थे, सभी लोगों का कहना है कि जिस जगह पे और जिस धरती पे ये यज्ञ होता है और महाविष्णु यज्ञ होता है और भगवान का राम नाम का जप किया जाता है, समझिए उस क्षेत्र की विघ्न बाधा ऐसे ही टल जाती है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबा इस संदर्भ में? जी बड़ा सुंदर बात है कि क्षेत्र में मतलब जग हो रहा है। अच्छा, मतलब अपने इजराइली अब कितना बढ़िया लग रहा है। आपका क्या कहना चाहेंगे इस यज्ञ के संदर्भ में? आप कहाँ से आए हैं? बनारस से आए हैं। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? यहाँ पे हम सहयोगी के उपलक्ष में है। कुछ मतलब मंत्र सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? शांति रंतरिक्ष गुण शांति हे पृथ्वी शांति राप शांति लोकदय शांति हे वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति हे सर्वगुण शांति शांति शांति। इसमें जो भी शब्द है सब शांति के लिए प्रयोग किया गया है। गाँव आराम से जैसा कि आराम से चलिए यात्रा के लिए जा रही है।